बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इंडिया टीवी के विशेष कार्यक्रम चुनाव मंच में कहा कि माहौल बिल्कुल साफ है। वे उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर हर जिले में जाकर बता रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री काल को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में खराब थी, वैसी ही खराब भाजपा सरकार के दौरान भी है। आज पूरा उत्तर प्रदेश बहन मायावती जी के कार्यकाल को याद कर रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जाति के नाम पर मंत्री बनाकर यूपी में तमाशा हुआ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ओवैसी के आने से बीएसपी को आने वाले चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। नेपाल के भैरवा में स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2.5 अरब की लागत से तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगेगी। ये प्रतिमा म्यांमार से हांगकांग होते हुए कोलकाता बंदरगाह पर पहुंच गई है। ये प्रतिमा म्यांमार की खनन कंपनी मालविन ग्रुप की ओर से स्पेन में लुम्बिनी गार्डन फाउंडेशन को दान दी गई है। फाउंडेशन के महासचिव राजगिरी ने बताया कि नेपाल सरकार को प्रतिमा सौंपने और इसे गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भैरवा पर स्थापित कराने की योजना है। 1.9 मीटर ऊंची है ये प्रतिमा और 1800 किलो की ये प्रतिमा गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित की जाएगी। गोवा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में लोगों के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज गोवा में खेल जगत से जुड़े दो लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। बॉक्सर लेनी दा गामा और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डेंजिल फ्रेंको टीएमसी में शामिल हुए। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सीएम लुजिनो भी टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस वक्त टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने किसान प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर धरना देने वाले किसान संगठनों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। ये केस आरपीएफ ने दर्ज किए थे। इलेक्शन कमीशन ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। आयोग ने यह फैसला चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के बीच लिया है। आयोग ने कहा कि चिराग या पशुपति में से कोई भी एलजेपी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अंतरिम हल निकालने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि दोनों गुट अपने अपने पक्षों के नाम और चिन्हों का चयन कर ले जो कि उनके उम्मीदवारों को दिए जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है, साजिश करने वाली पार्टी है ये। यूपी चुनाव में हार के डर से साजिश के तहत वह तीनों काले कृषि कानून तक वापस ले सकती है, लेकिन चुनाव के बाद इसे और खतरनाक तरीके से ले आएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आज भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने इस राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। इस राष्ट्रीय ध्वज की सबसे खास बात यह है कि यह खादी से बना हुआ है और यह ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। गांधी जयंती के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने न केवल स्वतंत्रता आत्मनिर्भर भारत बल्कि कई आधुनिक सभ्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज भी शिक्षाएं मानवता को बेहतर कल की ओर ले जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश रमन ने कहा कि गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। धर्मेंद्र प्रधान ने ऑन डिमांड लर्निंग और डिजिटल असमानता को कम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वैश्विक क्षमता का निर्माण कर रहा है। उन्होंने मनीला एक्शन प्लान के तहत शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। कल शाम एक शख्स ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की मांग करते हुए जहर खाकर अपनी जान देने का प्रयास किया।
असम कांग्रेस ने अपने एक मौजूदा विधायक को पार्टी की नीतियों के खिलाफ बयान देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने असम के सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने की बड़ी प्रवृत्ति के साथ सांप्रदायिक रंग के मामलों में बयान दिया। पार्टी ने कांग्रेस विधायक को भाजपा का एजेंट भी करार दिया है। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हैविट्जर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ एक साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया है। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों ने सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान किसानों और पुलिसों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान की खरीद 11 अक्टूबर से करने के सरकार के फैसले से भड़के हुए हैं। इक्वाडोर की सबसे कुख्यात जेलों में से एक में हुई हिंसक झड़प में 118 लोगों की मौत के बाद सरकार ने हजारों कैदियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दंगे में शामिल हजारों कैदियों को माफ कर दिया है। बता दें कि इक्वाडोर के तटीय शहर ग्वायाक्विल में 27 सितंबर को जेल के अंदर हुए गैंगवार में 118 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 52 लोग घायल हो गए थे। मरने वालों में पुलिस वाले भी शामिल है। दंगे के बाद सेना ने जेल परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था। अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में आज भारतीय महिला फुटबॉल टीम संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम ने इस साल में 5 मैच खेले लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सकी है। कोच डेनरबी ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की है। वे 5 तकनीकी और रणनीतिक सत्र रोज आयोजित कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एशियाई कप में उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिससे भारत में महिला फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ेगी।